कोरोना वायरस से जंग हर तरफ जोरों पर है। तमाम इंतजामों के बीच भी प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन गंभीरता से हो। दरअसल मामला भगवानपुर तहसील का है, जहां भगवानपुर पुलिस अपनी गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर लोगों से विनती कर रही है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। थाना अध्यक्ष राजीव थपरियाल ने इस बाबत बताया कि उनको सूचना मिली थी कि भगवानपुर के निवासी लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे थे। इसके चलते पुलिस ने अब ड्रोन कैमरे का सहारा लिया है और भगवानपुर की जनता पर पैनी नज़र रखी जा रही है। कुछ दिन पहले यहाँ से सलीम नाम का आदमी हजरत निजामुद्दीन जमाती में शिरकत कर रही थी, उसने तो कोरोना पॉजिटिव आया है, जिस कारण पूरे गांव को सील कर दिया गया है और हम लोग जो है ड्रोन कैमरे से पूरे गांव में निगरानी रख रहे हैं। पूरा गांव सील हो चुका है और पुलिस की पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर लोग भी अपने समय समय पर इनकी जांच कर रहे हैं और माध्यम से कहेंगे पूरे गांव वालों से कि हमारा सहयोग करें और घर से फालतू बाहर ना निकलें। लोगों को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। अगर कोई भी आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो के लिए भगवानपुर से मुर्सलीन अलवी की रिपोर्ट।